हेलो एवरीवन, आज हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक किया था। दो प्रकार की मल्टीप्लिकेशन थी वहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला जो न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे लूँगा, देखो इसमें क्या दे रखा है आपको। आपको यहाँ पे दो वैक्टर दे रखे हैं, एक वैक्टर ए दे रखा है, एक वैक्टर बी दे रखा है। ये आपको वैक्टर ए दे रखा है। वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये टू इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस थ्री जे कैप और माइनस सिक्स के कैप माइनस सिक्स के कैप। ये वेक्टर ए गिवन है, ये वेक्टर बी गिवन है आपको। वेक्टर बी आपका है थ्री आई कैप माइनस एम जे कैप। ये एम गिवन है यहाँ पे, इसकी वैल्यू नहीं है, ये वेरिएबल दे रखा है आपको एम, कोई कांस्टेंट है एम, प्लस सिक्स के। तो ये दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। आपको इसमें क्या निकालना है, इसमें गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। तो m की क्या वैल्यू हो ताकि आपके a और b क्या हो जाएं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। अगर a और b परपेंडिकुलर हैं, इफ़ वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, तो इनके बीच में अगर परपेंडिकुलर, तो ये कह सकता हूँ कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, दोनों के बीच में एंगल आपका है 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 होता है आपका जीरो। तो अगर मैं इन दोनों का क्या निकालूं, डॉट प्रोडक्ट निकालूं, ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी ये निकालूं, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा, दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ना, कोस 90, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। इफ़ A इज परपेंडिकुलर टू B, देन वेक्टर A डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर B विल बी इक्वल टू जीरो। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो आप, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे दो वेक्टर हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, दोनों कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखे हैं। तो कंपोनेंट की फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ A विद वेक्टर B किसके बराबर हो जाएगा आपका, एक जो i के कंपोनेंट हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो i के कंपोनेंट 2 और 3, 2 इंटू 3, ठीक है। और j के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगी -3m, j वाले कंपोनेंट की मल्टीप्लाई -3m, और k के जो कोफिशियंट हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो -6 + 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 आ जाएगा आपका। तो ये हो गया यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 2 × 3 = 6 और ये -36 है, तो -3m और यहाँ पे बचेगा आपका -30 और डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, जीरो। तो यहाँ से आपकी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10। m की वैल्यू कितनी आ गई, -10। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर दे रखा आपको, एक वेक्टर है a, ये वेक्टर a है और कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है। ये कंपोनेंट दे रखे हैं इसके 3i कैप और +4j कैप, ये वेक्टर दे रखा है आपको। क्या कहता है इसमें, एक दूसरा वेक्टर दे रखा है b, दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर b क्या दे रखा है, 2i कैप माइनस 3j कैप। आपको निकालना है a का कंपोनेंट b के अलोंग, कंपोनेंट ऑफ a अलोंग वेक्टर b, ये आपको निकालना है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे देखो, मान लो कि ये आपका कोई वेक्टर b है और ये मान लो आपका वेक्टर a है, ये वेक्टर a है, ये मान लो आपका वेक्टर b है, ठीक है। अब इनके बीच में मान लो कि थीटा एंगल है, कितना एंगल है, थीटा एंगल है। मेरे को वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है बी के अलोंग, तो इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, इसके अलोंग इसका जो कंपोनेंट होगा भाई, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कोस लगा देते हैं ना साथ में, तो ये हो जाएगा आपका ए कोस थीटा। इस कंपोनेंट का जो वेक्टर बी के अलोंग है,
ए का वो कंपोनेंट जो वेक्टर बी के अलोंग है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए कोस थीटा होगा। ये ए कोस थीटा क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है इसके कंपोनेंट का जो बी के अलोंग है। तो मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया, हमें तो क्या निकालना है, हमें तो वेक्टर बताना है, वेक्टर फॉर्म में बताना है उसको। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है, और मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे क्योंकि हमें ए पता है, ए तो इसका मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैग्नीट्यूड है ए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ए एक्स कितना यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 9 प्लस 16 25 का रूट हो जाएगा 5। तो ये 5 यूनिट हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो ए आ गया। कोस थीटा कैसे निकालेंगे, कोस थीटा तो आसान है निकालना, दोनों का क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से कोस थीटा निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे कोस थीटा कैसे निकालेंगे, कोस थीटा इस वाले फॉर्मूले से जो हमने पहले अप्लाई किया था, यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ये जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, यहाँ से कोस थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए इन डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, देखो स्क्वेयर करके इसी इस तरीके से निकालेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 का स्क्वेयर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वेयर करेंगे तो 9 और फिर उसको ऐड करेंगे आ जाएगा √13। ये आ गया बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड आ गया, ए का मैग्नीट्यूड आ गया। वेक्टर ए और बी की क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी, दोनों वेक्टर किस फॉर्म में है, कंपोनेंट की फॉर्म में है। कंपोनेंट की फॉर्म में अगर वेक्टर गिवन हो तो कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, उनके आई के कोफिशेंट की मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 2, ठीक है, जे वाले कोफिशेंट की मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × 3, ये आपका आ जाएगा 6 − 12 और ये आपका −6 आ जाएगा। तो हमारा ये भी आ गया। अब यहाँ पुट कर दो वैल्यू, ए डॉट बी की जगह −6 और नीचे ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5 और इसका कितना है √13। तो ये हमारा कोस थीटा आ गया, कोस थीटा आपका आ गया। देखो आपको क्या निकालना था, ए कोस थीटा, तो ए आपके पास आ गया, कोस थीटा आपके पास आ गया। अब इसकी इसका कंपोनेंट इसके अलोंग बी के अलोंग, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन बी की है वही डायरेक्शन किसकी होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, अलोंग वेक्टर बी, इसको ऐसे लिखेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, ए कोस थीटा इनटू डायरेक्शन किसकी, जो बी की डायरेक्शन है। तो ये बी कैप, बी कैप क्या है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी, मतलब वेक्टर बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर निकालना आपको, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी का, यूनिट वेक्टर निकालते हैं वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। तो बी वेक्टर क्या है आपका, 2i − 3j, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, √13। ये आपका आ गया यूनिट वेक्टर, बी यूनिट वेक्टर। तो कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, ए कोस थीटा, ए कितना आपका 5, कोस थीटा कितना आ गया आपका −6/5 √3, √13 कोस थीटा इनटू बी कैप, बी कैप क्या आपका 2i − 3j अपॉन √13, ये आपका है बी कैप। तो 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, √13 × √13 हो जाएगा आपका 13, तो ये आपका आ गया −6/13 × 2i − 3j, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इसको अंदर ले जाओ तो ये आपका हो जाएगा 12/13 −12/13 i एंड +18/13, ये हो गया आपका j। तो दिस इज ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विच इज अलोंग वेक्टर बी। तो इस तरीके से निकालना आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका था डॉट प्रोडक्ट पे जो क्वेश्चंस थे, इस प्रकार के डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूंगा क्रॉस प्रोडक्ट का। तो क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस आपका है,
तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर ए आपको दे रखा है, थर्ड प्रॉब्लम आपकी है, वेक्टर ए दे रखा है आपको टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस के कैप, ये आपको वेक्टर ए दे रखा है। वेक्टर बी गिवन है आपको, वेक्टर बी में क्या दे रखा है, माइनस सिक्स आई कैप और प्लस नाइन जे और प्लस थ्री के कैप, ये दे रखा है। आपको प्रूव करना है, प्रूव वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल। क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ये आपको प्रूव करना है। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अगर एंगल 0 डिग्री है, थीटा 0 है, तो साइन थीटा साइन 0 क्या होता है, 0। तो साइन आ गया ना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा और एन कैप, ए क्रॉस बी की अलोंग यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी की अलोंग यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल क्या हो गया, 0, और 0 है तो साइन थीटा क्या हो गया, 0। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, इज पैरेलल टू वेक्टर बी, देन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 0। तो आपको अगर ये इनका प्रोडक्ट 0 आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए और बी क्या हैं, पैरेलल हैं। दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों पैरेलल हैं। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। अगर वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखे हों तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट वाले रूल से। डिटरमिनेंट वाला रूल इस तरीके से लगाते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप। पहला वेक्टर ए, ए के कंपोनेंट 2 -3 -1, फिर नीचे लिखते हैं बी वेक्टर के कोफिशियंट 6 9 और 3, ये हो गया। ठीक है, कैसे करते हैं, सबसे पहले आई कैप की बारी है, यहाँ पे आई कैप को लेंगे। जब आई कैप को लेंगे तो इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट ले लो। इन 4 एलिमेंट के साथ क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -9। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से पहले एक माइनस लगा लो, और दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो -9 आ जाएगा। तो ये भी आ गया आपका -9, और फिर ये हो गया आपका यहाँ तक। अब बारी आ गई आपकी जे कैप की, तो यहाँ पे इसमें आप माइनस का साइन लगाओ, जब जे कैप लिखोगे तो माइनस का साइन लगाएंगे, और ये आपका हो गया जे कैप। अब जे कैप की बारी आ गई, तो इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट बच गए आपके पास। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो -6। अब देखो, अब किसका आ गया टर्न, के कैप, ये आ गया आपका के कैप। तो के कैप लिखेंगे तो क्या करेंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे आपके पास। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 2 = 18, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी कितना आ गया, 18। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 और -0 और +0, इट मीन्स 0। तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। भाई इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो कि आपके पास क्वेश्चन आपका है, डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। यहाँ पे दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए कितना दे रखा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर ए है। वेक्टर बी आपको दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है आई कैप
माइनस जे कैप और प्लस टू के कैप, ये देखें क्या पूछा इसने, डिटरमाइन यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर बताओ जो परपेंडिकुलर हो ए के बी और बी के बी। तो हमें एक वेक्टर निकाल लो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, एक ऐसा वेक्टर निकाल लो जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। जो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आएगा, ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आएगा, ये वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जिस प्लेन में ए और बी हैं ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो हम ये कह सकते हैं ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, कंपोनेंट की फॉर्म में है तो ये वाला लगाएंगे, डिटर्मिनेंट वाला रूल लगाएंगे, तो के कैप ए के कोफिशियंट 2 1 1, बी के कोफिशियंट 1 -1 2, ये हो गए, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी पहले बारी आई कैप की, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन लगा के माइनस, ये आपका हो जाएगा 3। तो इसको मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पे, ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा आपका 2 + 1 3, 3 आई कैप आ जाएगा। अब इसकी बारी है तो पहले माइनस का साइन लगाएंगे और इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो 2 × 2 = 4, 4 - 1 = 3, तो ये -3 जे कैप। अब इसकी बारी है, इसको छोड़ दो, तो -2 ये हो गया और -1 ये हो गया, तो -3, ये भी आपका कितना आ गया, -3 के कैप आ गया, ठीक है। तो ये आ गया दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो वेक्टर है ये ए के बी और बी के बी दोनों के परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो किसी का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसके मैग्नीट्यूड से, जो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए क्रॉस बी तो हमने निकाल ही लिया, ठीक है, इसमें से 3 कॉमन ले लो, ए क्रॉस बी में 3 कॉमन लेके इसको ऐसे लिखूंगा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ऐसे लिखेंगे इसको। अब इसका मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए एक्स का स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर प्लस ए वाई का स्क्वेयर, यहाँ भी 3 का स्क्वेयर और ए जेड का स्क्वेयर, तो ये भी कितना हो गया, 3 का स्क्वेयर हो गया, तो 9 + 9 + 9 27, √27 आ गया यहाँ पे, √27 आ गया, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3 × 3, 3 बार आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन √3, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, ओके। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे, देखो क्या दे रखा है इसमें, कि डायगोनल दे रखे हैं आपको रेक्टेंगल के, एक रेक्टेंगल है उसके डायगोनल दे रखे हैं, डायगोनल डी वन दे रखा है आपको, डायगोनल डी वन कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 2i कैप + 3j कैप, 2i कैप + 3j कैप और -5 कैप - 5 k कैप एंड d2 सेकेंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या दे रखा है आपको, 6i कैप + 5 कैप - 3 k कैप +5j कैप - 3 k कैप, ये दे रखा है आपको, ये दो डायगोनल दे रखे हैं आपको किसी रेक्टेंगल के। आपको क्या करना है, उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। सबसे पहले रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मल्टीप्लाई ऑफ द डायगोनल d1 × d2, दो डायगोनल का प्रोडक्ट कर दो और उसका हाफ कर दो, आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है किसकी, डायगोनल की, डायगोनल तो वेक्टर फॉर्म में है, मतलब डायगोनल का वेक्टर प्रोडक्ट करना है, और कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट करना है आपको डायगोनल का, यहाँ पे आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे d1 d2 का और उसका क्या ले लेंगे, मैग्नेट
हम उसका क्या ले लेंगे, हम उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये कोई रेक्टेंगल नहीं बनेगा, इससे पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। और पैरेललोग्राम की शेप कुछ ऐसी होती है, देखो एक बार मैं इसको ड्रा करता हूँ। ये होता है पैरेललोग्राम, जिसमें दो जो कोरस्पोंडिंग अपोजिट साइड है वो बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट साइड बराबर होती हैं, जैसे ये साइड आपकी इसके बराबर होगी और ये साइड आपकी इसके बराबर होगी। पैरेलल भी होती हैं और अपोजिट साइड बराबर भी होती हैं। ठीक है, तो एक डायगोनल मान लो इसका ये है, ये डायगोनल आपका है D1, दिस इज डायगोनल D1, ये डायगोनल आपका है मान लो D2, ये डायगोनल आपका मान लिया D2। तो अब इसका एरिया किसके बराबर होगा, हाफ D1 D2 का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो यहाँ पे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना तो आसान है, तो D1 क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर D2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पहले लिख लो आई कैप जे कैप के कैप, फिर लिखेंगे D1 के कोफिशेंट 2, 3, -5 और ये हो जाएगा 6, 5, -3। इसका क्या लेना है आपको, देखो पहले आई का टर्न है, तो आई के साथ क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी -9 और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी +25। माइनस का साइन लगाएंगे ना, तो 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो ये आपका आ गया +16 आई कैप। और फिर जे कैप इसको छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई -6 और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 में से 6 माइनस करेंगे तो 24 बचेगा माइनस का 24 जे कैप। और इसकी बारी इसको छोड़ दो, 5 × 2 = 10, 10 में से 18 माइनस कर दो तो -8 के कैप। ठीक है, और ये आपका हो गया D1 क्रॉस प्रोडक्ट विद D2। इसका क्या निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 16 का स्क्वायर +24 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा और एरिया, फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आपका एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसका मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, आप सारे क्वेश्चन इसके सोल्व करना और फेयर में सोल्व करना है, और फिर इसकी फ़ोटो लेके ग्रुप में ज़रूर सेंड करना है इसको। ओके, थैंक यू।